वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, दास इंद्रजीत सिंह, मैंबर पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, समूह सिख जगत नूं पाकिस्तान की पवित्र धरती श्री करतारपुर साहिब तो फतेह की सांझ कर रहा है। प्यारी साध संगत जी, 9 नवंबर 2019 नूं पाकिस्तान सरकार ने जो सिखां दीआं 72 सालां दीआं मंगां सन, 72 साल दीआं अरदासां सन, उन्हां नूं सामने रखदे होइआं जो लांघा भारत तो भारत वसण वाली सिख संगत वास्ते खोलिया गया सी, जिथों भारत दीआं संगतां बगैर वीजे दे राहीं श्री करतारपुर साहिब दे दर्शनां वास्ते आ सकदीआं सन, वो करोना महामारी दे करके दोनों मुल्कां दी तरफों वो जो कोरीडोर है उसनों 15 मार्च 2020 नूं बंद करता गया सी, लेकिन दोबारा पाकिस्तान की तरफों 29 जून 2020 नूं ये लांघा दोबारा खोलता गया सी। लेकिन सानूं बड़े ही अफसोस नाल कहना पै रहा है कि यह लांघा मार्च 2020 तो लेकर के अज तक भारत की तरफों सिख संगतां वास्ते नहीं खोलिया गया। असी इस मौके माणयोग बीबी जगीर कौर जी, जो कि प्रधान श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, अते ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी दे अति धनवादी हाँ, जिन्होंने कल दिते हुए बयानिए दे विच मोदी सरकार नूं चिट्ठी लिखी है कि करतारपुर साहिब दा लांघा जल्द तो जल्द खोलिया जाए। असी उस लैटर नूं एक्नोलेज भी करते हाँ, उन्हां दी चिट्ठी नूं माण भी बख्शते हाँ कि उन्होंने सिखां दी मंग नूं सामने रखते हुए, सिखां दे जज्बात नूं सामने रखते हुए भारत सरकार तो मंग की है। भारत पाकिस्तान वसण वाला हर गुरसिख इस चीज़ की मंग करता है कि लांघा जो कि लंबे समय तो भारत वाली साइड तो सिख संगत वास्ते बंद किया गया है, असी मंग करते हाँ भारत सरकार तो कि जल्द तो जल्द ये लांघा खोलिया जाए, ताकि बाबे नानक दे इस दर ते उत्थे वसण वाले जिहड़े गुरसिख हन इत्थे आण, आके नतमस्तक होण बाबे नानक दी उस धरती ते जिथे बाबा नानक जी ने अपनी जिंदगी दा एक लंबा समा नाम जपो, किरत करो अते किरत करके वंड के छको का उपदेश दिता, ताकि दोवां मुल्कां दे लोग इत्थे आके मिलन, इस खित्ते दे विच तरक्की आवे, इस खित्ते दे विच बाबे नानक दा वंड छक दा उपदेश जो है वह इत्थे फुरफुलत रहे और असीं उहनां पूरियां ते चलदे रहिए। इन्हां ही शब्दां दे नाल वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।